हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट टू पढ़ेंगे। पार्ट टू कैसा, जिसमें ए और बी दो लोगों का टाइम दिया रहेगा और ए अकेले का दिया रहेगा, तो दूसरे वाले का पूछा जाएगा। देखिए, जैसे ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं और ए अकेला उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसका एलसीएम दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30। 10 का पार्ट 30 में दिया जाएगा तो 10 दिया 30, 3 बार 15 दूनी 20। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना कि ये ए और बी का एक दिन का काम है 3। कितना है, 3। यानी कि इसमें ए को भी मिलाया गया है, ए को मिला के ए और बी दोनों मिलकर किसी काम 3 काम कर लेते हैं। ठीक, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 रोटियां खाते हैं। अरे ए अकेला खाता है कितना, 2 रोटियां। तो हम इन दोनों के में से ए अकेला का माइनस कर देंगे तो बी का अकेले का निकल आएगा। जब बी का निकल आएगा तो 3 में से दो जाएगा तो 1, ये किसका हो गया, बी का हो गया। कितना, बी का हो गया। ठीक, अब हमसे यदि पूछा जाए कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, कितने दिन में कर लेगा, बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 1, और टोटल वर्क कितना है, 30। तो बी अकेला, बी को पूरा काम करने में लगा समय लगा, पूरा काम कितना है, 30, और एक दिन का काम बी के अकेला का कितना है, 1। तो कुल मिला के 30 दिन में पूरा कर दिया। फिर से समझ लीजिए दोबारा से, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, बी ए अकेला 15 दिन में कर लेता है, तो 30 दिन हुआ टोटल वर्क। इसमें से ए और बी का एक दिन का 3 है और इसका 2 है, माइनस करेंगे तो बी का एक दिन का काम 1 निकल आया। टोटल काम कितना है, 30। एक दिन में भी एक काम करता है तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 30 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीन लोग मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन। ठीक, और बी और सी दो लोग मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब हमको ए प्लस बी प्लस सी तीन लोगों का एक दिन का काम ये दिया है कि तीन लोग मिलकर 20 दिन में कर लेते हैं, तो और दो लोग मिलकर कितने, 30 दिन में कर लेते हैं। तो अकेले एक का पूछा जाए तो क्या करेंगे, इनका इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 20 दिया 60 हो जाएगा, 20 दिया 60 तो 3 बार जाएगा, तो 30 दूनी 60 तो 2 बार जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है, 60, यानी कि टोटल 60 रोटियां हैं अपने पास। अब देखो क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीन लोगों के काम में से बी प्लस सी का काम हम माइनस कर देंगे तो ओनली ए अकेले का बचेगा। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम, और टोटल काम कितना है, 60। तो ए को पूरा काम करने में लगा समय तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 60 है। यदि टोटल पूरी 60 लड्डू है और कोई व्यक्ति एक दिन में एक खाता है तो टोटल कितने में, 60 में, एक का भाग दे देंगे तो 60 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा,
60 दिन में काम कर लेगा। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे हमारे लिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं और बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर लेता है और सी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर लेता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर लेता है और सी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर लेता है, तो हमसे यदि पूछा जाए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखो क्या करेंगे, इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो 60 आ जाएगा, 15 चौके 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक, इसको आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा और कम 10 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10। ठीक है, 10 कर देंगे तो ये 6 काम हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम तीनों के काम में से बी और सी का माइनस कर देंगे, तो बी का एक दिन का काम 3 है, सी का एक दिन का काम है 2। तो यदि तीनों के काम में से बी और सी का एक दिन का काम घटा देंगे तो ए अकेले का निकल आएगा, ए का निकालेंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यानी कि ए अकेला एक दिन में एक काम करता है, तो पूरा काम 60 था, 60 में 1 का भाग दे देंगे तो 60 दिन, कितना आ जाएगा, 60 दिन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों व्यक्ति किसी काम को मान लीजिए 5 दिन में कर देते हैं, ठीक है, 5 दिन में कर देते हैं, और श्याम प्लस मोहन ये दोनों व्यक्ति किसी काम को करते हैं 25 दिन में, कितने दिन में, 25 दिन में। यदि हमसे ये पूछा जाए कि राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, ठीक है, 20 × 25 100 इसका 20 हो जाएगा, 25 × 24 100 इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों के काम में से एक दिन के काम, यानी कि राम श्याम मोहन मिलकर एक दिन में 20 काम करते हैं, 100 रोटियां हैं तो ये तीनों मिलकर कितना, 20 रोटियां खाते हैं। अब श्याम और मोहन 4 खाते हैं, तो श्याम और मोहन को इसमें से हम माइनस कर देंगे तो अकेला राम का निकल आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। टोटल वर्क, राम का टोटल वर्क आ जाएगा 100/16। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 × 8 = 4×5 = 20, ये काट देंगे, 4 × 4 = 16, इसको काटो, 4×6 = 24, 1/4 देंगे। अब हमको कभी भी 2 या 3 व्यक्तियों का टाइम दिया गया हो और उसमें से एक का दिया गया हो या एक या दो का दिया गया हो तो अकेला सिंगल वाले का पूछा जाए तो हम ऐसे निकाल लेंगे, और भी इसमें कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सबको? ठीक है।